नहीं पकाया, कसम मामा ले लेता है। मामा से भी नहीं कुछ मंगवाया। ए भाई नैनो जी, ओ अल्लाह, अंदर ब्लैंकेट और ऊपर पिलो और लेट गई है बाहर। ये देखो जरा, ओ अल्लाह जी। Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel and to brand new video. कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे और फिट होंगे। तो वेलकम है जी आपका सहर्स क्रेजी वर्ल्ड में, और मैं हूँ जी आपकी होस्ट सहर्स इशफाक, एक नए दिन में कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नई बातों के साथ और एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हो गए हैं आपकी खिदमत में। तो जी सबसे पहले तो मैं आपको टाइम बता देती हूँ, टाइम हो रहा है जी 12:30, ठीक है, इट्स 12:40, ऑलमोस्ट 35:40। सो बच्चे गए हुए हैं पेपर देने, तो वो आते हैं, तो जब तक मैंने सोचा मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दूं। तो जी मैं आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो मैं फिर रही थी बड़ी मधुबाला बन के कि सर्दी नहीं है, तो मुझे लग गई है सर्दी। अब सुबह से बॉडी पेन, रात शिवरिंग, तो अब मैं थोड़ा सा उठी हूँ, फ्रेश हुई हूँ, कैप शैप ली है, मैंने कहा मैं ऐसे ही ब्लॉग बनाऊँगी कैप ले के, क्योंकि घर बंद बंद है ना, धूप में नहीं जाती, तो इसलिए फिर मुझे ज़्यादा सर्दी कोल्ड फील हो रहा है। हालाँकि इतना कोल्ड है नहीं, लेकिन है भी। खैर जल्दी से कर दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर, और बेल आइकन को कर दें प्रेस, ताकि जैसे हमारी कोई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए, ठीक है जी। जल्दी से कर दें, फिर उसके बाद आपको सारे दिन की रूटीन दिखाती हूँ। सबसे पहले तो आपको मैं ये दिखाऊँ कि ना, ये देखें, रैन ने कल से टेंट ला के यहाँ पर रखा हुआ है, और इसके अंदर ब्लैंकेट बिछाया हुआ था जो सुबह मैंने निकाल दिया। रैबिट्स लाए हुए हैं, जायनमाज रखी है कि नमाज पढ़ूंगी, और जी ये पूरा हाउस उसने ना अपना सेट कर लिया है। बच्चों को भेजने के बाद लेट गई थी, तो अब मैं सबसे पहला काम जो मैंने करना है ना, वो मैंने ये अंडे रखने हैं फ्रीजर में, ठीक है, और यहाँ पे ये सारे धोए हुए कपड़े फैला दिए थे रात को मशीन से निकाल के, इनको भी बाहर फैलाना है। तो ये दो काम जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है, पहले अंडे लगा लेते हैं। चलें जी, डन हो गए हैं सारे अंडे, मैंने लगा दिए हैं, अब इसको कर देते हैं बंद। अब जी नेक्स्ट काम है ये सारे कपड़े फैलाने का, ये फैला लूँ तो देन आई विल कम बैक। यस, हाँ जी गाइज, अभी मैं कपड़े फैला रही थी, तो उतनी देर में हुआ क्या है कि ये नमूदार हो गए हैं, ये वाले सारे फैला दिए, ये रह गए थोड़े से। हाँ जी, कैसा हुआ पेपर? बहुत अच्छा, सारी मैसे ही कहता था। हाँ अच्छा, बहुत नैनो का कैसा हुआ, मीचूनी का डाउन? No good. मम्मी इसकी मैम क्या? क्यों? अगर ये अब आपके पास है ना, तो इसे क्या ना अपनी मैम पर सुनियो, इसकी अनाउंसमेंट हो जाती है। हाँ जी, आपके पास ना जाए, अगर आपके पास ना जाए। मैं नहीं करती, कोई बात नहीं। कहता ये पूछ रही है खाने में क्या, मैंने नहीं ना कुछ पकाया, नहीं पकाया गया, मैं नहीं पकाया, कसम से लेता हूं। मामा से भी नहीं कुछ मंगवाया, लिटरली बाबा आएंगे भी देख लेना, कुछ भी नहीं मंगवाया। हाँ रात राइस बनाए थे, वही खाने हैं, रात राइस नहीं बनाए, वो खाने, और दही मंगवाया ऊपर दही डाल के। रुको तो सही, मुझे कॉल भी ला के रहो, उसे मैंने बात की। रुको तो सही, ठहरो तो, और ये देखे फसाद भी है ना फेस, ये ओ अल्लाह, ये देखे रो रही, कहती है आपने टोपी ली मेरी कार, आपकी इधर ही पड़ी होगी कि ब्लैंकेट के नीचे आई होगी। हाँ माँ को देख के कहती नहीं धोई मैंने, ए बी सी डी वाली कब धोई है? ऊपर मुंह करो, अगर धोई होगी तो वो ड्राई होके आपको ही मिलेगी ना, मैंने कोई खुद तो नहीं पहन ली। आप तब रहो जब मैंने पहन ली हो, मैंने अपनी पहननी है, आपकी थोड़ी पहननी है। ये पूछा ही नहीं है कि मम्मा आप कैसी हो, मुझे फीवर हुआ हुआ है। ये देखो जरा जी, हाँ इसलिए रो रही हो कि मैंने टोपी पहनी है, कैप ली है, तो आप भी ले लो अपनी। आप मुझे नहीं नहीं देती, मैंने नहीं लेनी है। अच्छा अच्छा, दे देते हैं, देते हैं, अभी इधर ही कहीं पड़ी थी, हम तो इसकी देखना जरा, एबीसीडी वाली इधर ही कल मैंने देखी थी कहीं पड़ी।
यहाँ पे कहीं पड़ी होगी, देखो ना बैग्स और बुक्स खिला रही इनके नीचे बिखेरे। मिल जाती है और रैन अभी आपकी कैब ढूंढ कर देते हैं। जी गाइस ये देखें, ये इसको टोपी मैं दे रही हूँ रेड, मेरे जैसी। अब लेती नहीं, लो ना अब पहनो, अब क्यों नहीं लेनी, अब कहती मेरे बाल है और कौन सी लेनी, बता बता बता, दे दिया मैंने सबूत दे दिया कि ये देखो गंदा बच्चा। अब मैं इनको लंच बना के दे दूं, लंच में क्या है, लंच में दूंगी मैं नगेट्स। बाबा आगे बाबा A few moments later. जी गाइस शाम हो चुकी है, कुरान कारी साहब से पढ़ रही है ऊंची ऊंची कलमे याद कर रही है। खैर टाइम देखें 7 बज गए हैं, ठीक है। तो खाना शाना हमने खा लिया था दोपहर में, फिर लेट गए, फिर बच्चों ने थोड़ा पढ़ा, आपको पता है एग्जाम्स हैं। अब कारी साहब आए हैं, वो पढ़ रहे हैं और मैंने ये पैसे पकड़े हैं क्योंकि हमने ऑर्डर किया है जूस, फ्रेश जूस, ठीक है। तो वो आने वाला है, तो मैंने कहा मैं व्लॉग में भी दिखाती हूँ, तो भी आता है तो फिर आपको जूस दिखाते हैं, बहुत मज़े का जूस जो लास्ट व्लॉग में हमने दिखाया था ना, हमने जाके वहाँ पे पिया था, वही वाला है। वो ऑर्डर करें तो घर भी दे जाते हैं। तो आज मैंने ऑर्डर किया है सारिम के लिए, क्योंकि सारिम की कोई एलर्जी हुई हुई है, गर्म जैसे एग खा लेता है या चाय पी लेता है तो आँख से पानी आने लग जाता है, तो इसलिए अब उसको ठंडी चीज़ें, मैंने कहा डेली उसे गाजर का जूस दूँगी, तो वो ऑर्डर किया, तो वो अभी आएगा तो आपको दिखाते हैं, ठीक है। ना हुरैन ने लड़ के मेरी कैप लेके पहन ली है, शाम से मेरी पहन के बैठी और ये मैंने अब उसकी पहनी है। अपनी नहीं पहनती ना दूसरी रेड वाली ना, वो मेरी अच्छी लगती है, तो अब मेरी कैप उसने पहनी और उसकी मैंने पहनी हुई है। तो आज थोड़ी सर्दी है, वैसे तो टाइम था मेरा चाय पीने का, लेकिन अब बच्चों की वजह से जूस मंगवाया, स्पेशली सारिम की वजह से, तो जूस पियेंगे उसके बाद हम चाय पियेंगे। हम भी पंजाबी देसी लोग हैं, सब खा लेंगे, जूस भी पी लेंगे, चाय भी पी लेंगे। और जी ये देखें हम दा आ गई है पढ़ के, ये देखो आज आज आपने नहीं मेरी पहनी हुई, आप भी बताओ जरा, ये देखो गाइस को मैंने बताया है, ये मैं कौन सी बारी में बोला, चलो माशाल्लाह रखो। मैंने गाइस को बताया कि हुरैन ने ना शाम से जब से उठी है ना मेरी कैप ही पहनी हुई है और मैंने हुरैन की पहन ली, सही किया ना, डन। बात सुने, मेरी एक लाइन रहती है, मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। जूस आ रहा है, जूस वाले की कॉल आ गई है, वो कह रहा है मैं बस पहुँचने वाला हूँ। सारिम साहब जूस आ रहा है, सारिम के लिए आ रहा है। सारिम की खुशियाँ देखो, मुर्गी की तरह ना कंधे दोनों ऊपर कर लेता है, गर्दन हर वक्त मुझे तंग करता है, किसने मुझे तंग कर कर के ना मुझे तंग कर दिया। हंस रहे हो क्या, रो रहे हो, ये तो कहाँ दर्द हो रही है, अभी बैठी चल रही है, हंस रहे हो क्या, रो रहे हो। ऐसे एक होता था ना, हम पढ़ते होते थे, अ मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, तो ये सारिम वो है, हर वक्त मेरी यहाँ दर्द, मेरे वहाँ दर्द है। सारिम अ मैन हु वाज अ हॉस्पिटल एक स्टोरी होती थी, वो कोई भी बीमारी देखता था या पढ़ता था ना, उसको लगता था मुझे वो बीमारी हो गई है। अगर वो किसी पेशेंट के बारे में पढ़ता था ना कि उसको सर दर्द है तो ये मेडिसिन लेनी चाहिए, उसको लगता था मुझे भी यही बीमारी है। किसी कैंसर पेशेंट के बारे में पढ़ता था, उसको लगता था मुझे भी यही बीमारी है, और ये हमें बीमारी है, हर चीज खराब कर रही। हुरैन क्यों खराब कर रही हो, हाँ इसमें जूस डाल लेना, क्यों तोड़ रही हो। चलो हाँ जी, चलो ठीक है, हाँ चलो चलो चलो। राइडर की कॉल आई है, कह रहा मैं आ तो गया हूँ लेकिन मुझे पता नहीं है मैं कहाँ खड़ा हूँ और मैं कहाँ आया हूँ। अभी देखते हैं, आपको दिखाते हैं। तो सारिम गया बाहर, मैंने कहा सारिम को आप जाओ और उसे पकड़ो जरा जूस वगैरह। ये देखो सारिम ये कपड़े डाले हैं धो के, यस 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 यस। सारिम इस तरफ देखो, वो इधर ना खड़ा हो, देखो जरा, वो कह रहा था मैं गेट से अंदर। गाइस राइडर आ गया है और सारिम लेकर आ रहा है जूस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वाह भाई वाह, पैसे कमाते भी नहीं किए, इतना ट्रस्ट कर लिया वो हम पे, थोड़े भी देखे ना, जिसने आपकी कहता बाइक पे बैठ जाओ, कहता होगा कहीं दूर से आया है शायद, चला लो आज 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 आज। जी देखो यार, सामने वाला पता नहीं क्या सुबह खाई जा रहे हैं, ध्यान से मुंह तो नीचे देखो, लाओ दो देखो बहनों को बुद्धू बना रहा, ये देखो जो अच्छा, ओ ध्यान से सीधे ग्लास, ठहरो मैं ओपन करती हूँ, गिरा भी हुआ है सारी जूस, हमने ओपन कर लिया, वो ना शॉपर में थोड़ा सा गिरा हुआ था, यहाँ बेड पे भी गिर गया, दिखाओ उन्हें ना, बाप ने भी गिरा देना सारा, पकड़ो सीधा करके ग्लास, नीचे से पकड़ो, यहाँ पे भी थोड़ा सा गिर गया, मैं फिर लेके भाग गई किचन में,
ये मेरा हुरैन, प्लीज पी लो, ये मेरा है, मैं आपको दिखाती हूँ सारी क्या कर रहा है। हुरैन प्लीज उठा लो ग्लास है, में पकड़ो। हमने यहाँ पे सोना है, उठा लिया। अब रखना नहीं, जब तक सारा फिनिश नहीं कर लेना। इतना तो अच्छा है, सारी मना चुकंदर भी डाला है, गाजर भी है और ऑरेंज भी है, समझो मेडिसिन पी रहे हो। ये देख पुनरा, देखो इस लड़के ने हमें कितना तंग किया, इसके लिए स्पेशल मैंने ऑर्डर करके मंगाया था। और ये देखें यहाँ पे ये स्टेन कर रहा है। पीले ग्लास उठा के मुंह को लगा ले सारी, मैंने बहुत मारना है, मैं ब्लॉग में मारने लग जाना। हाँ जी गाइस, शब ने हाँ जी गाइस, सबने खाना छाना खा लिया, मैंने खा लिया और रैन ने खा लिया, और ये सारी मोर हमदा खा रहे हैं। इधर देखो इनके जी खाने का टाइम चल रहा है। और यहाँ पे एक लड़की है, ये देखें कितना बड़ा टेडी बियर। सबसे पहले तो ये दिखाओ ना गाइस को, मैं ये ब्लैंकेट कितना प्यारा, ये सारिम का ब्लैंकेट था। चलो जी अब इस ब्लैंकेट से नीचे आते जाते हैं। और यहाँ है। और ये टेंट हाउस भी सारिम का ही है लेकिन इसके अंदर से निकलेगा कुछ और ही ये यहाँ से आपने पाड़ा है ना बाहर देखने के लिए, विंडो बनाई है, देख लो काम इसके। अच्छा जी टेंट हाउस में क्या क्या पड़ा जरा हमें दिखाएं। ये पड़ी है, ये दोनों चीजें पड़ी है, ये पड़ा है, जायनमाज भी रखा है, पियानो भी रखा है, ये पड़ा है, ये पड़ा है। अच्छा सुबह से मेरी कैप पे कब्जा किया है सारिम ने। और अच्छा अच्छा इधर ग्लास कवर भी पड़ा है, रैबिट है। अच्छा अच्छा और ये पर है। हाँ चलो खेल लो मेरा बेटा। रैन नीचे से सर्दी है, नीचे से ठंड चढ़ रही होगी, बस उठ जाओ। चलो हम वॉक करने लगे थे, 1 2 3 4 तो नीचे रख लो कंबल, ऊपर ना रखो। ये देखे यहाँ से ना रैन नजर आ रही है। चलो रैन ये ऐसे करो मेरा बेटा, नीचे रख लो, सर्दी बहुत है, इसके ऊपर बैठो ब्लैंकेट के ऊपर। ए भाई नैनो जी, ओ लो अंदर ब्लैंकेट और ऊपर पिलो, और लेट गई है, बाहर निकला जल्दी, बाहर सोना, इधर नहीं सोना, उठ जा जल्दी। ये देखें गाइस सारिम की नजर उतारने लगी, सारिम आ जा नजर उतारो, किधर गया? ये देखें जी आईफोन की उतार लो, बोल तो कुछ नहीं लिया, बाल खराब हो रहे हैं। उतर गई, बोलना क्या, बाइक ही उतर गई, बाइक नहीं अभी इस टाइम नहीं जाना, आपकी तो उतार दूंगी, बाइक उतारिए। चलिए ठीक है गाइस, आज का व्लॉग इतना सही था, थोड़ा सा ही, लेकिन उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर करना आपने हरगिज़ नहीं भूलना है, अपनी दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। मम्मा क्या कर रही हैं? मम्मा हुरैन की पहनी है, हुरैन तंग कर रही थी। चलिए ठीक है गाइस।